मेरी कोई मदद करो, मैं 3 दिन से बिना नहाए बिना खाए पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। मोदी जी प्लीज मेरी मदद करो, मेरा पति अमेरिका का नागरिक है, उसने 6 महीने पहले मुझसे शादी की, मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मैंने अपना घर बेच के उससे शादी का खर्चा दिया, सब किया, 6 महीने में उसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई और मेरे घर में देखो तोड़ फोड़ करके भाग गया और बोलता है मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, तेरा मोदी तेरा इंडिया का कानून मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, बोलता है नहीं रुकूंगा साथ में नहीं लेके जाऊंगा, देखता हूँ तेरी इंडियन गवर्नमेंट मेरा क्या उखाड़ लेगी। क्या मेरी गलती इतनी है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई? क्या हिंदुस्तान अमेरिका से इतना डरता है कि कोई भी आके हिंदुस्तान की बेटी को नोच के चला जाएगा और कानून मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? प्लीज मेरी मदद करो, क्या हिंदुस्तान में पैदा होना गुनाह है कि हमारा कानून हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता? प्लीज मेरे पति को वहां पे जाने से रोको, वो भाग जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, उसकी बहन उसकी मम्मी उसके जीजा उसे मुझसे दूर करने में लगे हैं, प्लीज कोई मेरी मदद करो, क्या मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना डरता है अमेरिका से कि कोई भी आके मेरे साथ खेल के चला जाएगा और हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? प्लीज मेरी मदद करो, वो भाग गया तो मेरे पास तो मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा, आज तक अपने घर पर लेकर नहीं गया, बोलता है वहां पे चोल है वहां पे ऐसा है वहां पे वैसा है, जब मेरी शादी हुई तो अपने घर का पूरा सामान बेच दिया, बोलता नया लेके आओ यहाँ पे रखने के लिए, अब यहाँ पे देखो पूरा खून खराबा करके चला गया, अब डर से सामने भी नहीं आ रहा, उसकी बहन उसे सामने भी नहीं आने दे रही, 4 दिन के बाद मेरा पहला करवा चौथ है, शादी की चूड़ियां भी नहीं उतरी अभी तक मेरे, प्लीज कोई मेरे पति को वापस ला दो, उसे भागने से रोको, मोदी जी मेरे लिए कुछ करो।